नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रेम और एक नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी देसी हारमोनियम धुन राजस्थानी भजनों के लिए सिखाऊंगा। अगर आप भजन गा रहे सा रे मा पा धा सा स्केल में, सा रे मा पा धा सा स्केल लग रहा है इस भजन में, तो बिल्कुल धीरे धीरे देसी अंदाज में देसी तरीके से अपन उसको सीखेंगे। अब दोस्तों, धुन को पहले बजा के देखेंगे कि कैसे इसकी जो तार्ज है उसको कैसे बजाना है, उसके बाद में इसको आसानी से पॉइंट वाइज एक 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 स्टेप इसमें सीखेंगे। तो मैं इसको तीसरी काली से बजाऊंगा, आपको अपने स्केल के अंदर बजाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, एक बार इस धुन को सुन लेते हैं, उसके बाद में आसानी से देखते हैं। धुन आपने सुनी बड़ी प्यारी है, अच्छी लगी होगी, सरल भी है। अगर भजन मान लीजिए सारे मापादा सा स्केल में चल रहा है, धुन आपको ये बजानी है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको कैसे इसकी शुरुआत हो रही है, कौन से सुर से इसकी शुरुआत हो रही है और कहाँ से बजाना है। तीसरी काली सा रे मा पा धा सा ये स्केल लगा। ये भी स्टेप सीखें, उतार चढ़ाव है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने दो वीडियो पहले ही बना रखे हैं दोस्तों। धुन की शुरुआत हो रही है, देखो यहाँ से पास है, धुन की तर्ज कैसी, टन ना ऐसी, देखो पास से शुरुआत हो रही है। मान लीजिए दोस्तों, इसी धुन को आपको चौथी काली से बजाना, ये यहां से सा रे मा पा धा सा ये वाला स्केल हो गया। ये भी स्टेप सीखे, देखो फटाक से बजाएंगे तो देखो। अब
यहां से धुन को बजाएंगे तो देखो दोस्तों। आप जब भी बजाते बजाते रे पे आ जाते हो, देखो रे, तो मंदर का पा है ना उसको लगाओ साथ में, बड़ी अच्छी क्वालिटी आएगी। देखो किसी भी स्केल में बजाओ, धुन की जो तर्ज है और जो सुर है वो अपने को याद होना बहुत ही जरूरी है। धुन और जो तर्ज है वो याद होना बहुत ही जरूरी है, इनके बगैर कुछ नहीं होगा। दोनों याद है तो बिल्कुल सुर का ज्ञान है, सुर को भी पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो सुर का ज्ञान करने की कोशिश करें, सारे गामा का प्रैक्टिस करें, नोटेशन को रटना नहीं। अरे भाई, ये जो मैंने धुन बजाई, अब मान लो आप किसी भी स्केल से बजाएंगे, मैंने 4.5 पकड़ा है, तो ये जो सुर का जो नॉलेज है वो ये चीजें आपको बताएगा कि किसी भी स्केल में बजाना है। मैंने इसको 6.5 से बजाया, फटाक से स्केल पकड़ा और बज गई। धुन वही थी, सुर का चढ़ाव था, लेकिन सुर का ये जो उतार चढ़ाव है जो सुर का, वो समझना पड़ेगा अपने को, तो बिल्कुल अपने लिए सरल होगा। ऐसी क्वालिटी लाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।